तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस पर से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट के पास में है, आप समझे, तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आनंद चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, जान कहना नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, आप जो है ये अफवाह में नहीं आया। अभी मैं 2-3 दिन अफवाह सुन रहा हूं कि फला ये हो गया, फला वो हो गया, पता नहीं क्या कहते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ बिना मतलब का लोग कन्फ्यूजन हो जाते थे, तो गवर्नेंस पे भी फर्क पड़ जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अगर अनस्टेबल रहती सरकार, पता नहीं क्या हो रहा कांग्रेस के अंदर। वैसे भी आप देख रहे हो कि अब स्थिति कांग्रेस की क्या है देश के अंदर, जो चिंता विषय होना चाहिए पूरे देशवासियों को। आज जो आरएसएस का आदमी भी है, कुछ बीजेपी के समझदार लोग भी है, गडकरी की तरह के आम नागरिक भी है जिसने कभी वोट नहीं दिया कांग्रेस को, वो भी चाहता है कांग्रेस मजबूत रहे देश के अंदर एक प्रतिपक्ष की तौर पर। वो देश हित चाहता, देश हित चाहता, हित की बात है। वो मोदी जी नहीं कहता कांग्रेस मुझ भारत बनाऊंगा। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। तो जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब से मैंने सोनिया गांधी को, उन्होंने मुझे चांस दिया चीफ मिनिस्टर बनने का, पहली बार, दूसरी बार, जो भी था, तीसरी बार, तो मैंने उनको उस पर से अधिगत कर रखा है। मेरा इस्तीफा तो परमानेंट के पास में है, आप समझे, तो मेरा इस्तीफा परमानेंट उनके पास में है। तो आप सोच सकते हो कि बार बार ये आनंद चाहिए कि मुख्यमंत्री बदलना क्या हो रहा है। जब मुख्यमंत्री बदलना होगा तो कानों कान किसी को मालूम नहीं पड़ेगी, जान कहना नहीं होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहें, आप जो है ये अफवाह में नहीं आया। अभी मैं 2-3 दिन अफवाह सुन रहा हूं कि फला ये हो गया, फला वो हो गया, पता नहीं क्या कहते रहते हैं। तो मैं सोचता हूँ बिना मतलब का लोग कन्फ्यूजन हो जाते थे, तो गवर्नेंस पे भी फर्क पड़ जाता है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, अगर अनस्टेबल रहती सरकार, पता नहीं क्या हो रहा कांग्रेस के अंदर। वैसे भी आप देख रहे हो कि अब स्थिति कांग्रेस की क्या है देश के अंदर, जो चिंता विषय होना चाहिए पूरे देशवासियों को। आज जो आरएसएस का आदमी भी है, कुछ बीजेपी के समझदार लोग भी है, गडकरी की तरह के आम नागरिक भी है जिसने कभी वोट नहीं दिया कांग्रेस को, वो भी चाहता है कांग्रेस मजबूत रहे देश के अंदर एक प्रतिपक्ष की तौर पर। वो देश हित चाहता, देश हित चाहता, हित की बात है। वो मोदी जी नहीं कहता कांग्रेस मुझ भारत बनाऊंगा। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।